रंग तिरंग आपके साथ इस सफर में मैं विकास। कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद, कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद, जिंदगी से मिले मौत आने के बाद, कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद। लज़्ज़ते सजदाए संग दर क्या कहे, लज़्ज़ते सजदाए संग दर क्या कहे, होश ही कब रहा सर झुकाने के बाद, होश ही कब रहा सर झुकाने के बाद। क्या हुआ हर मसरत अगर छिन गई, क्या हुआ हर मसरत अगर छिन गई, आदमी बन गया गम उठाने के बाद, आदमी बन गया गम उठाने के बाद। रात का माजरा किस पूछूं शमीम, रात का माजरा किस पूछूं शमीम, क्या बनी बज्म पर मेरे आने के बाद, क्या बनी बज्म पर मेरे आने के बाद, जिंदगी से मिले मौत आने के बाद, कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद। रफी साहब की आवाज और संगीत था इस गजल में ताज अहमद खान साहब का और शमीम जयपुरी का लिखा हुआ। कई दफा ये बताना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि शायरी का तो हम शौक रखते हैं लेकिन शायरों को याद रखने का शौक हम शायद भुला चुके हैं। बहरहाल 11:14 हो चुके हैं और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम रंग तरंग की इस महफिल में अक्सर शायरी की ही बात करते हैं और शायरों की बात करते हैं। अगला जो नगमा मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो उस आवाज़ ने गुनगुनाया है जिन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ शायरी में भी अपने हाथ आजमाए और हम तक एक बेहद खूबसूरत सा नगमा संगीत के इतिहास में रचा दिया और बसा दिया उन यादों को भी। मैं
फिर लेट हो गए। अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे। क्यों बैठे थे बाहर? क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता। मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। क्या हुआ बेटा? मामा मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कल एग्जाम है, पता नहीं कैसे होगा। ओफो, एग्जाम ही तो है पूरी लाइफ थोड़े, और जरूरी तो नहीं है कि हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए। डर मत, अच्छे से एग्जाम दे। और तू स्पोर्ट्स में इतना अच्छा तो है, यू आर अ ब्राइट चाइल्ड। ये सोच तुझमें कितना हुनर है, तू कर लेगा, डोंट वरी। थैंक यू मम्मी। एग्जाम जैसे समय में जहां बच्चे से लेकर सब स्ट्रेस में होते हैं, ऐसे में धैर्य का इस्तेमाल करें, बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, उन पे प्रेशर ना बनाएं। क्योंकि परेशान रहना, चिंता करना, बेचैन होना, अच्छे से खाना ना खाना आपको अधिक स्ट्रेस व दिमाग पर प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगे तो वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, उनसे जानें। अधिक सहायता के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और अनुभवी डॉक्टर्स की मदद लें। स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। ग्यारह बजकर 22 मिनट हो चुके हैं, आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम रंग तरंग आपके साथ, मैं विकास। राजेश रेड्डी एक बेहद मकबूल शायर हैं और वो लिखते हैं कि ऐसे ना बिछड़ आंखों से अशकों की तरह तू, ऐसे ना बिछड़ आंखों से अशकों की तरह तू, आ लौट के आ फिर तेरी यादों की तरह तू, चाहा था बहुत मैंने भुला दूं तुझे लेकिन जाता ही नहीं दिल से उम्मीदों की तरह तू, मुंह फेर के जाना है तुझे जा तेरी मर्जी, मत रूठ मगर मुझसे नसीबों की तरह तू, ऐसे ना बिछड़ आंखों से अशकों की तरह तू। कदम पर नक्शे पाए
शय तुझी को सामने लाए तो क्या करूं, हर शय तुझी को सामने लाए तो क्या करूं, हर शय में तू ही तू नजर आए तो क्या करूं, थम थम कर आंख अश्क बहाए तो क्या करूं, रह रह कर तेरी याद सताए तो क्या करूं, ये तो बताते जाओ अगर जा रहे हो तुम, मुझको तुम्हारी याद सताए तो क्या करूं, माना सुकून आवाज है हर शय बहार में, तेरे बगैर चैन ना आए तो क्या करूं, हर शेर में सुना तो गया हूं मैं हाले दिल, हर शेर में सुना तो गया हूं मैं हाले दिल, लेकिन तेरी समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। कहता है तुझे मैंने भुला रखा है, कौन कहता है तुझे मैंने भुला रखा है, तेरी यादों को कलेजे से लगा रखा है, तेरी यादों को कलेजे से लगा रखा है। लगते आए भी नहीं आँख में आंसू भी नहीं, लगते आए भी नहीं आँख दिल ने हर राज मोहब्बत का छुपा रखा है, दिल ने हर राज मोहब्बत का छुपा रखा है, तूने जो दिल के अंधेरे में जलाया था कभी, तूने जो दिल के अंधेरे में जलाया था कभी, वो दिया आज भी सीने में जला रखा है, वो दिया आज भी सीने में जला रखा है। मैंने अब तक तेरे गुलशन को सजा रखा है, कौन कहता है तुझे मैंने भुला रखा है। चलते हैं कान्हा की नगरी ब्रिज आकाशवाणी के साथ, हर सुबह 7:10 पर सुनना न भूलें मोहे ब्रिज बिसरत नाही। Mohe Braj Bisrat Nahi 100.1 MHz यानी आकाशवाणी गोल्ड पर। मोहे ब्रिज बिसरत नाही। आज फिर लेट हो गए? अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे। क्यों बैठे थे बाहर? क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता। मुझे पता है,
HIV/AIDS असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे, रवि भैया को घर ही ले आते। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। ग्यारह बजकर 34 मिनट हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम चल रहा है आप ही का अपना पसंदीदा रंग तरंग, और रंग तरंग में मैं आपके साथ हूं विकास, और कोशिश कर रहा हूं कि आप तक अलग अलग मुख्तलिफ आवाजें पहुंचाने की जिन्होंने गजल के इस कार्यक्रम को, गजलों के इस बज्म को अपनी आवाज के साथ, अपनी शायरी के साथ और ज्यादा खूबसूरत बना रखा है। अगली आवाज आप तक पहुंचती है अनुराधा पौडवाल की। खुदा बनकर भी दे
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन, कोई बोले राम राम। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल, कोई बोले राम राम, कोई गुनाए, कोई से ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी छोटी सी बात को लेकर अचानक से हार मान बैठते हैं। जी, वो छोटी सी बात हो सकता है मेरे लिए छोटी सी रही हो, लेकिन किसी और के लिए बड़ी सी हो, क्योंकि जिंदगी हर एक इंसान के लिए अलग अलग एक तरह का तजुर्बा लेकर आती है और हर इंसान का एक मुख्तलिफ तरीका होता है उस मुश्किल से पेश आने का। लेकिन कहा है ना किसी शायर ने कि कुछ परिंदों को तो बस दो चार दाने चाहिए, कुछ परिंदों को तो बस दो चार दाने चाहिए, कुछ को लेकिन आसमानों के खजाने चाहिए। रोज इन आंखों के सपने टूट जाते हैं तो क्या, रोज इन आंखों में फिर सपने सजाने चाहिए। जिएंगे मगर मुस्कुरा ना सकेंगे, मुस्कुरा ना सकेंगे कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। लबों पे तराने अब आ ना सके
हराने अपाना सकेंगे के अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। बहारे चमन में जब आया करेगी नजारों की महफिल सजाया करेगी, बहारे चमन में जब आया करेगी नजारों की महफिल सजाया करेगी। नजारे भी हमको हंसा ना सकेंगे, नजारे भी हमको हंसा ना सकेंगे के अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। जवानी जो लाएगी सावन की रातें जमाना करेगा मोहब्बत की बातें, जवानी जो लाएगी सावन की रातें जमाना करेगा मोहब्बत की बातें। मगर हम ये सावन मना ना सकेंगे, मगर हम ये सावन मना ना सकेंगे के अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। लबों पे तराने अब आ ना सकेंगे के अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं। कबूल कर लीजिए हुजूर आप ये तोहफा, कबूल कर लीजिए ये मेरे प्यार का एक छोटा सा नजरा। जमाने की दौड़
अब और कोई नहीं आरज़ू मेरे दिल में, अब और कोई नहीं आरज़ू मेरे दिल में सिवा तुम्हारे, नहीं कोई राह कर लीजिए। ये मेरा दिल ये मेरी जान सभी तुम्हारा है, ये मेरा दिल ये मेरी जान सभी तुम्हारा है। तुम्हारे प्यार में अब कुछ भी गवारा है, तुम्हारे नाम लिखे हमने जिंदगी ओ सनम, जो तुम कबूल कर लीजिए, ये मेरे प्यार का एक छोटा सा नजराना है। हुजूर आप ये तोहफा कबूल कर लीजिए। दिल को भी गम का सलीका न था पहले पहले, दिल को भी गम का सलीका न था पहले पहले, उसको भी भूलना अच्छा लगा पहले पहले। वो मुलाकात का मौसम नहीं आया अब के जो सरे ख्वाब संवरता रहा पहले पहले। गम का दरिया मेरी आंखों में सिमट कर पूछे कौन रो रो के बिछड़ता रहा पहले पहले। जी बिछड़ने का वक्त आपका और हमारा भी काफी नजदीक सा आ चुका है क्योंकि स्टूडियो में आप पहुंची है बीनिश, और जैसे ही बीनिश आती है तो घड़ी बताती है कि इशारा करती है कि विकास अब यहां से जाने का और फिर से मिलने का वक्त हो चला है। इस वादे के साथ कि आपसे दोबारा से इसी महफिल में मुलाकात होगी, तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार। Thank you.
कहीं बेख्याल तो कर यूं ही छू लिया किसी ने कहीं बेख्याल होकर यूं ही छू लिया किसी ने कई ख्वाब देख डाले यहां मेरी बेखुदी Yeah.
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।